तक सिस्टम ऑन रहेगा तब तक रैम का काम रहेगा। क्या है? जब तक सिस्टम ऑन रहेगा तब तक रैम का काम रहेगा। आप सब मेरे साथ बोलो एक बार, जब तक सिस्टम ऑन रहेगा तब तक रैम का काम रहेगा। अगर एमयू ना हो, रैम ना हो, तो हमारा कोई डेटा प्रोसेस ही नहीं होगा भाई। जब कोई पकड़ के खड़ा ही नहीं, जैसे देखो मामा के घर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मामा के घर जा रहे हो। अब ये बताओ, कपड़ा हाथ में लेके जाओगे? अच्छा ये ग्रीन वाला सूट है, ये पीला वाला सूट है, ऐसे हाथ में ऐसे टांग लो, मामा आ रहे हैं, नमस्ते मामा जी, ऐसे टांग लो, पूरा इधर उधर कपड़ा लगा रहे तुम्हारे हाथ में, मतलब तुम्हें कोई जगह ही नहीं मिली जिसमें तुमने अपना डेटा होल्ड करा दिया हो, मतलब बैग मिला ही नहीं, बैग है रैम। अभी बताओ मामा के यहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पास बैग नहीं, तो जाओगे मामा के यहाँ हाथ में कपड़ा टांग के? बोल दे कोई, मैं चला जाऊँ हाथ में कपड़ा लेके, बिना झोला पन्नी के, ऐसे पैंट शर्ट सब लटका है, इधर भी लटका है, चल दिए मामा के यहाँ, जाओगे अब जल मामा के यहाँ? यानी कि इम्पोर्टेंट है रैम कि नहीं है? सिस्टम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? रैम। सुनो इधर देखो, रैम मतलब देवी, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, और ये है दोनों प्राइमरी मेमोरी के भाग। किसके भाग? प्राइमरी मेमोरी के भाग। प्राइमरी मेमोरी का मतलब ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर लगी है, जैसे मदरबोर्ड पर लगी होती है, प्राइमरी मेमोरी कहलाता है, जिसे हम इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और उसको एक नाम से और भी जानते हैं, मेन मेमोरी के नाम से। किसके? मेन मेमोरी, क्योंकि वो कंप्यूटर का सबसे मेन होता है। भाई हमें खाना खाने का समझाए थे ना, खाना खाना कोई थाली ही ना दे तो क्या जमीन में रख के खाना खाएंगे? यानी कि जब भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो सबसे पहले वो एमयू के पास जाता है, और एमयू है किसके पास? इंटरनल मेमोरी पास। तो वो हुआ ना मेन मेमोरी, हुआ मेन का मतलब मुखिया, जो मुख्य हो, और सबसे ज्यादा मुख्य कौन है? रैम। और रैम है किसके पास? इंटरनल मेमोरी पास। किसके पास? इंटरनल मेमोरी पास। तो इसको क्या बोल सकते हैं? मेन मेमोरी। क्या बोल सकते हैं? मेन मेमोरी। किसकी वजह से? रैम। क्योंकि जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो सबसे पहले हमारा डेटा कहाँ जाता है? रैम। फिर सीयू, फिर एएलयू, ठीक है, फिर प्रोसेस होके हमें आउटपुट दिख जाता है। अब चलो टॉपिक पे आते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब कुछ भी, जैसे हम लोग कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी काम दे दो, कोई भी रैंडम काम दे दो, मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी, यानी कि मैं सारे काम में माहिर हूँ, तुम मुझसे चाहे जो काम कराओ। यानी कि तुम सिस्टम पे आए हो, तुम चाहे जो इनपुट दो, हम उसको सॉल्व करने में सक्षम हैं। हम किसी भी डेटा को आपको सॉल्व करके आपकी पहुंच वहां तक पकड़ा देंगे, हम सक्षम हैं। तुम कोई भी इनपुट दो, ठीक है, अलिफ बे ते लिखो, ए टू जेड लिखो, छोटा से ज्ञान लिखो, तुम कुछ भी इनपुट दे रहे हो, हाय गुड मॉर्निंग, तुम गुड मॉर्निंग का जीएम भी लिख दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तब भी तुम्हारा डेटा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कोई भी डेटा हमको दो, तुम्हारी पहुंच वहां तक बना देंगे, ठीक है। अब देखो, मैंने कल पढ़ाया था, या जब मैंने सिस्टम यूनिट में पढ़ाया था, तो मैंने क्या कहा था कि जो तुम्हारा रैम होता है, सबसे पहले तुम डेटा लिखते हो कीबोर्ड से, वो गया सीपीयू के पास, और सीपीयू में सबसे पहले गया किसके पास? रैम के पास। और फिर जब नीचे सारा प्रोसेस हुआ था, सीयू और एएलयू ने प्रोसेस किया था, तो हमें आउटपुट दिखा था। यानी कि हमने ऐसा देखा था, जो हमारा रैम होता है वो उसकी मदद से हम राइट भी करते हैं, क्या करते हैं? राइट भी करते हैं और रीड भी करते हैं। एक डिफरेंस, रैम ऐसी मेमोरी होती है जिसे हम लिख पढ़ दोनों सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। भाई लिखा तब ही ना पढ़ पाएगा, वहां लिखती हो या नहीं, अमी नहीं, और तुमको दिख जाता है स्क्रीन पर, तुम पढ़ भी लेती हो। तो ये चीज समझ में आई, कैसे हम लिख भी लेते हैं और कैसे हम पढ़ भी लेते हैं, ये चीज समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? रीड ओनली मेमोरी, ध्यान से देखना, इसका काम है, इसमें तुम लिख नहीं सकते, सिर्फ लिखा गया डेटा पढ़ सकते हो। जैसे ये बुक मिल गई तुमको, अब ये बताओ तुम इसमें लिखोगे या पढ़ोगे? इसमें तुम लिख सकते हो कि तुम कुछ भी लिख दो, वो तुम्हारा मार्किंग हो जाएगा कि जहाँ से ये किताब पब्लिश हुई है, अच्छा ये लड़की लिखी है, लाओ इसको पब्लिश करा देते हैं। अरे इसे मतलब गोदी है, इसमें कुछ नहीं आ रहा तो उसका नक्शा बना दी है, ठीक है, आंख आंख रंग दी है, आई लाइनर लगा दी है, तो लाओ एक काम करे, इसको हम पब्लिश करा दें। अभी किसी ने तो लिखा है, तो ऐसा होता है क्या? तो रोम में जो लिखा गया डेटा होता है वो यूजर सिर्फ पढ़ सकता है। अब पूछो मैं,
मैम एग्जाम्पल। कहने पे कैसे जाए मैम, हमको तो समझ ही नहीं आया भाई कौन सा डेटा हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं जो हम लिख नहीं पाते। तो जब सिस्टम ऑन करती हो तो डेल का सिस्टम होता है तो डेल लिख के आता है, ठीक है। एचपी का सिस्टम होता है एचपी लिख के आता है, मोबाइल होती तो एंड्रॉयड लिख के आता है, या जो अखिलेश जी के जमाने में तुमको सिस्टम मिला था उसमें आता था पूरे होते वादे। क्या आता था? पूरे होते वादे। अब क्या तुम सोच रहे हो कि नहीं अखिलेश जी ना उनके बप्पा है तो उनको हटा के हम अपने बप्पा को लगा दे, ऐसा कर पाओगी? नहीं ना, उनके बप्पा रहेंगे और देखना तुमको पड़ेगा। मान लो तुम भाजपा सरकार से बहुत ज्यादा बिलोंग करती हो, तुम्हें सपा सरकार में कोई दिक्कत मची है और तुम चाहते हो नहीं जब सुबह उठ के देखे तो कोई बाबा मिले हमको, योगी बाबा है, तुम सोचो नहीं हमको योगी बाबा मिले, तो क्या मिलेंगे तुमको? क्योंकि वो डेटा लिख दिया गया वो भी किसमें, रोम रोम में, जिसे यूजर सिर्फ पढ़ सकता है, रीड ऑनली मेमोरी, सिर्फ यूजर उसे पढ़ सकता है लिख नहीं सकता। जो वो अब तुम्हें जो तुम सामने दिखाई दे रही है, अब तुम सोच रहे हो जैसे कुछ कुछ लोग मोबाइल में बोलते हैं ना कि एप्पल का थोड़ा शौक चढ़ता है तो ना कि मोबाइल तो एप्पल की है नहीं, तो क्या करते बैक कवर एप्पल का लगा लेते, रिंगटोन लगा लेते एप्पल का कि कहीं भी बजेगा तो लगेगा हम एप्पल का सिस्टम लेके घूम रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ उनके पास खुराफात होता कि जो जहाँ एंड्रॉयड लिखा आता तो एप्पल मैक लिख के बढ़िया आता तो कर लेते कि नहीं कर लेते? भाई 6000 का मोबाइल खरीदा और लिख के आया उसमें अरे हम मैक लेके घूम रहे हैं एप्पल का फोन, क्या दिखाओ स्विच ऑफ ऑन करके दिखा देते, देखो एप्पल बन के आ रहा है कि नहीं बन के आ रहा है। अगर ऐसा कुछ मामला होता कि हम यहाँ लिख पाते तो हर कोई एप्पल यूजर हो जाता, तब तो सबके जेब में एप्पल है, एप्पल यूजर है, बैक कवर लगा ही है, रिंगटोन बची रही है और सामने स्विच ऑफ ऑन करके दिखा देंगे एप्पल दिख ही जाएगा, क्या दिक्कत है। तो उसने बड़ा अच्छा जुगाड़ लगाया प्रोग्रामर ने, कहा कि मतलब डेल का सिस्टम मैं बनाऊं, अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम मैं दूं, सिस्टम मैं अच्छा सा दूं और कल को मार्केट में कोई भी उसमें छेड़खानी करके अपना सिस्टम बना दे तो ये हम नहीं, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम ऐसा उसमें लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि वाइटनर भी नहीं चलेगा, है उससे लोहे से उसको छिनवा देंगे, किससे लोहे से छिनवा देंगे, ऐसा लिखवा देंगे ताकि उसमें कभी भी जिंदगी में कोई बदलाव हो ही ना। तो रोम में लिखा गया डेटा सिर्फ यूजर पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता। डेल का तुम एचपी नहीं कर सकते कि सिस्टम ऑन करो और डेल का सिस्टम हो तो तुम्हें एचपी लिख के आए, कभी होता है ऐसा नहीं। जो भी वॉलपेपर अखिलेश यादव का नहीं, जो योगी बाबा लैपटॉप बांटे थे उनका जो आ रहा है, तुम सोचो कि नहीं उनको हटा दे, हमारी फोटो आए पूरे होते वादे, हमने अपना वादा पूरा कर दिया, जय श्री राम, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो इस प्रकार की मेमोरी को राइट एंड रीड, इसको सिर्फ रीड, देखो दूसरे पॉइंट में इसे कहते हैं वर्किंग मेमोरी, इसे क्या कहते हैं? इसे वर्किंग कार्यशील, प्योर हिंदी में तरफ से तुमसे ऐसे देगा, कार्यशील मेमोरी किसे कहते हैं? रैम को, रोम को। इसे वर्किंग मेमोरी कहते हैं, कार्यशील मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, स्टार मार्क लगा दूं मैं, कि कार्यशील मेमोरी किसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कार्यशील मेमोरी किसे कहा जाता है? तो रैम, रोम, एसएसडी या कुछ और दे देगा, इनमें से कोई नहीं, तो कौन है? रैम है। क्यों भाई कार्यशील मेमोरी में कहा था कि मेन काम इसका होता है, इसीलिए प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। इसे वर्किंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी यूजर इनपुट देता है तो इसका मेन रोल होता है डेटा को होल्ड कराना, और तब तक जब तक डेटा प्रोसेस होके आउटपुट में ना बदल जाए, इसीलिए इसको कार्यशील कहा जाता है। जैसे किसी के घर में लड़कियां होती है ना, मान लो शादी का सीजन चल रहा है, लड़कियां होती है ना, तो लोग कहते हैं अरे भैया लड़कियां उनके बड़ी काम काज, अरे सब ऐसे चुटकी में कमावा कर रही है, मैनेजमेंट भी देख रहे हो, मिठाई की कोठरी हम तालो लगाई है कि कोई फालतू ना ले जा पाए, और उधर बरातियों का भी स्वागत कर रही है, और जहाँ खाना बन रहा है वहां भी अटी पड़ी है वो, तो कार्यशील उसी को ये देखना है। तो ये कार्यशील है तो ये करती हेल्प इन बूटिंग, इसका काम क्या है? हेल्प इन बूटिंग। अब ये क्या है? बूटिंग क्या है? हेल्प इन बूटिंग। अब बूटिंग क्या है? बूटिंग क्या है नहीं पता? देखो पहले वही बूट मतलब बूटिंग, ठीक है, बूट का मतलब हो गया सिस्टम ऑन ऑफ होने की प्रक्रिया, का मतलब हो गया सिस्टम को ऑन ऑफ करना, या मैं बोलूं ऑन ऑफ करने की प्रक्रिया ही बूटिंग या बूट कहलाता है। ऑन ऑफ होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? बूट। किसको ऑन ऑफ करने की प्रक्रिया? सिस्टम। हाँ, नहीं अपना सोचो कि रात में सोए तो सुबह उठे, ठीक है, ये हो गया बूट। अब यहाँ समझा रही हूँ मैं, बूट होते हैं दो प्रकार के, ध्यान समझना, बूट कितने प्रकार के होते हैं? एक हो गया कोल्ड बूटिंग और एक हो गया वार्म बूटिंग, एक हो गया कोल्ड बूटिंग और एक हो गया वार्म बूटिंग, ध्यान समझना अंतर, बहुत सुंदर अंतर बताने जा रही हूँ। कोल्ड मतलब ठंडा, वार्म मतलब गर्म, कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। जब हम
रात में सोके और सुबह उठते हैं तो हम कोल्ड बूटिंग होते हैं। कौन सा बूटिंग? कोल्ड बूटिंग। रात में पड़ गए बिस्तर में आराम से नींद गजब, कोई 7 बजे सो जाता होगा, कोई 8 बजे सो जाता हो, कोई ऐसा मलिक छोगा प्राणी जिसको पढ़ने की जरूरत होती है वो 10-11 बजे तक जगता होगा। बाकी इतने ब्रिलियंट आदमी कहाँ 8 बजे, वो भी ठंडी का समय आ गया है तो 8 बजे बहुत है, 15 मिनट रिवाइज फिर तानो आराम से है। तो रात में सोए और सुबह उठे तो वो कौन सा था? कोल्ड। इसका मतलब एक निश्चित समय के बाद सिस्टम का ऑन होना क्या कहलाएगा? कोल्ड। और तुम पूरा दिन काम कर रहे हो, अभी जैसे मैं सुबह से काम कर रही तो मैं अभी जाऊँ बस एक झटकी ले लूँ, मतलब काम करने के दौरान वो जो हम लोग नींद दोपहर में अक्सर लोग सोते हैं ना, अक्सर सोते हैं घर पे लोग अक्सर सोते हैं भाई, काम समय वैसे दिन बना है काम करने के लिए, वो बहुत लोग झपकी मार लेते हैं दिन में भी, ठीक है। तो वो जो दिन में जो झपकी लोग लेते हैं सोते हैं उसे वार्म बूटिंग कहते हैं, क्योंकि काम करने के निरंतर काम करते 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 अच्छा अगर दिन में सोए तो क्या वो 8-8 घंटे सो लेंगे? नहीं ना, सिर्फ मुश्किल से आधा एक घंटा या बहुत जब बहुत तिकड़मी आदमी होंगे वो 2-2.5 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। और नकिश्चय होंगे सृष्टि की तरह तो 6-7 घंटे सो लेंगे दिन में अगर नकिश्चय होंगे तो, अदरवाइज वो सिर्फ आधे घंटे। तो काम करने के दौरान जो हमने ऑन ऑफ किया अपने दिमाग को वार्म बूटिंग, तो ऐसे सिस्टम भी थोड़ा मतलब काम करने के दौरान सिस्टम का ऑन ऑफ होना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग। फिर से सुन लो, एक निश्चित समय बाद यानी कि कुछ टाइम बाद, एक निश्चित समय बाद सिस्टम का ऑन ऑफ होना क्या कहलाया? कोल्ड बूटिंग। और काम करने के दौरान सिस्टम ऑन ऑफ करना कहलाया वार्म बूटिंग। बूटिंग क्या है? सिस्टम को ऑन ऑफ करने की प्रक्रिया, या सिस्टम को सिस्टम का ऑन ऑफ होने की प्रक्रिया क्या कहलाया? बूटिंग। दो तरह हुए, कोल्ड बूटिंग वार्म बूटिंग। जब भी बोलना वही नींद वाली बात याद कर लेना, अरे हम तो सोते हैं बढ़िया तान के एकदम है, तो रात में सोए और दिन में उठे 8 घंटे के बाद, 8-9 घंटे के बाद, या 10-12 घंटा ले लो चलेगा, 12 घंटे के बाद सो के उठे तो कोल्ड बूटिंग, और दोपहरिया में झपकी लिए तो वार्म बूटिंग। एक निश्चित समय के बाद सिस्टम ऑन हुआ तो वो हो गया कोल्ड, और काम करने के दौरान सिस्टम ऑन ऑफ हो रहा है तो वो हो गया वार्म। तो मैंने कहा रोम किसमें हेल्प करता है? रैम है क्रियाशील मेमोरी, और रोम है तुम्हारा मतलब रोम जो है वो जब सिस्टम बूट हमारा करता है तो कौन हेल्प करता है? यानी कि अगर रोम गुस्सा हो जाए, जाओ हम नहीं आएंगे, ने कहा कि यहाँ पे अगर रोम गुस्सा हो जाए कहे जाओ हम तुम्हारे यक्को काम नहीं करेंगे, हम गुस्सा हो गए तो तुम अपने सिस्टम को बूट नहीं करवा पाओगे। क्या नहीं करवा पाओगे? एक एग्जांपल के लिए समझाएं, देखो ये मेरा फोन है, हमेशा अपने फोन की ही बलि देते हैं, ये देखो यहाँ हमने ऐसे क्लिक किया तो यहाँ देखो रिबूट आया कि नहीं आया। अब जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो तुम कभी ऐसा मतलब तुम लोग ऐसे ही बूट कर देते हो वो अपने आप ऑन हो जाता है, या तुमने उसको ऑन किया? नहीं ना। तो ये जो सिस्टम अपने आप ऑफ ऑन होता है तुम नहीं करते हो, मैंने सिर्फ इस पे रिबूट पे क्लिक कर दिया, अब ये अपने बंद होगा और अपने ऑन हो जाएगा। क्या होगा? खुद ही बंद हो रहा है, खुद ही देखो ऑन हो रहा है, यही है तुम्हारा बूट। क्या है ये बूट? प्रैक्टिकली मैंने दिखा दिया। क्या मैंने यहाँ स्विच ऑफ का बटन ऑन किया तब ये हो रहा है? नहीं ना, मैंने सिर्फ रिबूट पर क्लिक कर दिया और ये सिस्टम अपने बंद हुआ, देखो खुद ही ऑन हो रहा है, तो ये क्या कहलाया? गुड। और इसमें कौन हेल्प अभी कर रहा होगा? कौन हेल्प कर रहा होगा? रोम। ये चीज याद रखना, वो स्विच ऑफ ऑन पे मत जाना, ठीक है? रिबूट, मैं बूट की बात कर रही हूँ, बूटिंग की। या तुम अपना फोन रिस्टार्ट करते हो, सिस्टम रिस्टार्ट करते हो कि नहीं करते? जैसे फोन में हमें रिबूट मिल जाता है, सिस्टम भी रिस्टार्ट होता है, तो सिस्टम का अपने आप ऑफ, अब तुम वहां गए ऑप्शन पे क्लिक किए वो बंद हुआ और अपने आप ऑन हो गया, तो उसे कहते हैं, ठीक है? और इसमें कौन हेल्प कर रहा है? ऑन हो गया, ठीक है? ये चीज याद रखना, ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि तुम लोग वो स्विच ऑफ ऑन में ना चले जाओ। अभी तक मुझे लग रहा है आधे लोग यही सोच रहे थे वो जो हम ऑन ऑफ करते हैं फोन ना उसी को बूट कहते होंगे, कुछ सोचा ही नहीं होगा, क्या दिक्कत थी ना? चलो अभी अब बूट वाला समझ में आ गया ना पट्टा। चलो तो ये समझ में आया। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन जो बढ़ते हैं तो कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी, ध्यान देना, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और इसको कहते हैं नॉन वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल। तो क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल। क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल। देखो बहुत सुंदर से बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब हुआ कि ऐसी मेमोरी जो पावर सप्लाई करते ही डेटा का लॉस कर दे, जो पावर सप्लाई कटी, पावर सप्लाई हो गई लॉस, पावर सप्लाई जैसे ही कटी
तुरंत क्या कर दे, डेटा का लॉस कर दे, डेटा का क्या कर दे, लॉस कर दे। अब ये नॉन वोलेटाइल लिखा है, यानी कि ऐसी मेमोरी जो पावर सप्लाई करने के बाद भी डेटा को लॉस ना करे। अब एक बात बताओ, तुम फोन ऑन ऑफ जब करती हो तो क्या रेडमी दोबारा लिख के नहीं आता, डेल नहीं लिख के आता, एचपी नहीं लिख के आता, पूरे हुए वादे नहीं लिख के आता, आता है ना। इसका मतलब ये कहाँ है, और रोम नॉन वोलेटाइल है, यानी कि पावर सप्लाई रहे चाहे ना रहे वो अपना डेटा नहीं गायब करेगा। जो रोम में सेव हो गया है डेटा वो आजीवन चलता रहेगा जब तक उस सिस्टम में आत्मा है, जान है, जहां से, ठीक है, वो कभी अपने डेटा पर लॉस नहीं करेगा। नहीं ऐसा रोज रात में जब मोबाइल ऑफ करते ना सुबह उठते तो एंड्रॉइड लिखकर ही नहीं आता, तो इससे प्रूफ हो गया ना कि रोम में जो डेटा होता है वो नहीं लॉस होता पावर सप्लाई कटने के बाद। समझ में आई बात, सिस्टम में सेव करते हैं उसके बाद वो HDD का सामान, वो चीज मैं बाद में बताऊंगी, सिर्फ अभी लोगो याद रखो, सिस्टम का लोगो वगैरह, ठीक है, ये सिर्फ सिस्टम के लोगो वगैरह में काम करता है या तो सिस्टम को बूट कराने में। ये जो तुम कंट्रोल यस करके वहाँ डेटा सेव करती हो वहाँ इसका कोई रोल नहीं है, वो रोल है सेकेंडरी मेमोरी का, भी बाद में समझाऊंगी, अभी थोड़ा यहाँ ध्यान दो। अब वोलेटाइल मेमोरी का मतलब पावर सप्लाई करते ही डेटा को लॉस कर दे। एग्जाम्पल पूछो, कहीं से पूछो, वहाँ कल तुम लोग लैब करो और डेटा ना सेव किए, ठीक है, किस सिस्टम में बैठो और वहाँ पे ऐसे लिखते रहो, वर्ड पैड पे लिखते रहो और मैं वहाँ से इन्वर्टर ऑफ कर दूँ, ठीक है, और सिस्टम तुम्हारा डायरेक्ट बंद हो जाए, दोबारा ओपन करोगे डेटा नहीं मिलेगा। या क्या करो, व्हाट्सअप पे चले जाओ और गुड मॉर्निंग अभी सिर्फ टाइप करो, किसी को सेंड ना करो, जो बगल हरी हरी बटन होती है उस पर क्लिक ही ना करो और फोन ऑफ कर दो, और दोबारा ऑन करोगे तो नहीं मिलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये जब तुमने इनपुट दिया तो यमयू के पास गया वो प्रोसेस होने के दौरान, और तुम्हें आउटपुट मिल गया, और तुमने अगर उसको सेव नहीं किया और लाइट चली गई तो ये डेटा को लॉस कर देता है। ये डेटा को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक डेटा जिंदा है और जब तक डेटा प्रोसेस करके आउटपुट में ना बदल जाए, उसके बाद इसका काम खत्म, इसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ उसका इतना रोल है कि तुम्हारा जो डेटा इनपुट तुमने दिया उसको प्रोसेस करवाने में हेल्प करना, और कब हेल्प करना, जब तुम्हारा सिस्टम ऑन हो। अगर प्रोसेस करने के दौरान या आउटपुट मिलने तक, मिलने के बाद भी सिस्टम पे अगर तुमने डेटा सेव नहीं कर लिया, सिस्टम ऑफ हो गया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी गारंटी कोई नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जो पावर सप्लाई करते ही डेटा का लॉस कर दे, वो कौन सी होती है, यानी कि इससे हमें ये पता चला, इधर का मिटा दो थोड़ा, देखो इससे हमें ये पता चला, इस बात से हमें ये पता चला कि ये टेंपरेरी मेमोरी, कौन सी मेमोरी होती है ये, कौन सी मेमोरी होती है, टेंपरेरी मेमोरी होती है, ठीक है, ये कौन सी मेमोरी होती है, टेंपरेरी मेमोरी। क्यों टेंपरेरी कहा गया, अस्थाई, क्योंकि ये जो पावर सप्लाई करते हैं डेटा का लॉस कर देते हैं, टेंपरेरी होती है, इसमें डेटा सेव नहीं किया जाता, ठीक है, डेटा इसमें सेव ही नहीं होता, इसका बस दो ही काम है, डेटा को प्रोसेस होने के दौरान हेल्प करना, एक ही काम, डेटा को प्रोसेस करने के दौरान हेल्प करना, ठीक है, बस वही काम है इसका, और वही मेन काम है, वही मेन काम है। अगर यमयू ना हो, रैम ना हो, तो हमारा कोई डेटा प्रोसेस ही नहीं होगा भाई, जब कोई पकड़ के खड़ा ही नहीं, जैसे देखो मामा के यहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मामा के यहाँ जा रहे हो, अब ये बताओ कपड़ा हाथ में लेके जाओगे, अच्छा ये ग्रीन वाला सूट है, ये पीला वाला सूट है, ऐसे हाथ में ऐसे टांग लो, मामा आ रहे हैं, नमस्ते मामा जी, ऐसे टांग लो, पूरा इधर उधर कपड़ा लगा रहे हो तुम्हारे हाथ में, मतलब तुम्हें कोई जगह ही नहीं मिली जिसमें तुमने अपना डेटा होल्ड करा दिया हो, मतलब बैग मिला ही नहीं, बैग है रैम, अभी बताओ मामा के यहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पास बैग नहीं, तो जाओगे मामा के यहाँ हाथ में कपड़ा टांग के, बोल दे कोई मैं चला जाऊँ हाथ में कपड़ा लेके बिना झोला पन्नी के, ऐसे पैंट शर्ट सब लटका है, इधर भी लटका है, चल दिए मामा के यहाँ, जाओगे अर्जुन मामा के यहाँ, यानी कि इम्पोर्टेंट है रैम की नहीं है, सिस्टम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है रैम, और रैम ही नहीं है तो डेटा प्रोसेस ही नहीं होगा भाई, कोई पकड़ने वाला होगा ही नहीं, लग रहा है आप जल जाते हैं मामा के यहाँ, हाँ नहीं वो जाती हैं, उनका शालिनी जाती है मामा के यहाँ, ठीक है, वो शालिनी जाती है मामा के यहाँ, जब जाना होता है तो बैग वैग जब नहीं मिला उनको, डेटा होल्ड करने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, तो हम टांग के पूछ जाते मामा हमको सिर्फ विदाई से मतलब, हमारा आने से मतलब है, विदाई ना चुके चाहे कपड़ा हाथ में लेके पहुंच जाए, विदाई नहीं छोड़नी जाएगी, प्राण जाए पर विदाई न किसी तरह मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन पहुंच जाऊंगी विदाई को लेके, मान लीजिए चाहे आप 20 रुपया दें लेकिन विदाई लेके रखें,
ऐसे मामले समझ रहा लेते नहीं वापस करते अभी वो ऐसा जानती हो ना कि उससे ज्यादा मिल जाएगा तभी वापस कर दो। ऐसा अगर कुछ ताम धाम बन जाए ना कि वापस ये झूठे आदमी मामा मेरे हैं देंगे नहीं, 5 रुपए दो तो अगर वो 2 रुपया देंगे कहेंगे लाओ मामा किसी तरह दे दो पैसा चाहे 2 रुपया। ये जब उम्मीद रहती है ना कि हमें दोबारा मिल जाएगा तब हम ये नखड़ा गांठते हैं, उसी में बस काम बन जाता है। ठीक है, तो वोलेटाइल पावर सप्लाई करते ही डेटा का लॉस कर देना, और डेटा का लॉस जो कर देती है इसलिए कहा जाता है इसको टेम्परेरी। और सुंदर सा रैम का काम समझ में आया कि रैम कोई ऐसा बंदा है बंदी है जो बड़ा बड़ा काम का है। ठीक है, जो हमारे डेटा को प्रोसेस करवाने में हेल्प करती है। तो जब तक सिस्टम ऑन रहेगा तब तक रैम का काम रहेगा। क्या है? जब तक सिस्टम ऑन रहेगा तब तक रैम का काम रहेगा। अब सब मेरे साथ बोले एक बार, जब तक सिस्टम ऑन रहेगा तब तक रैम का काम रहेगा। और ये कल मैं सुनूंगी, और अगर नहीं बता पाए तो वही पुराना डायलॉग कहां से फिर कहूंगी याद रखना।